आप लोगों का एक बार फिर से मैं इस वीडियो में वेलकम करता हूं। आपने केमिकल कंपाउंड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी इस टॉपिक में हम लोग केमिकल कंपाउंड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं वेन केमिकल compounds आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल magnetic फील्ड देन द कम्पाउंड शो डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ सो on the basis of their behavior in external magnetic field compounds are classified into five different classes all such classes are paramagnetic material diamagnetic material फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरी मैग्नेटिक मेटेरियल तो केमिकल कंपाउंड्स ये पांच तरीके की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर शो करते हैं तो चलिए हम लोग चलते हैं पैरा मैग्नेटिक एंड डाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के ऊपर तो जब आप किसी से पूछोगे पैरा मैग्नेटिक या डाया मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये सबको पता होता है यानी पैरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है जब किसी भी मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक उसको हम बोलते हैं डाया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या उसका बिहेव बदलता है जिससे वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ़ील्ड में अलग अलग बिहेवियर शो करने लगता है हमको इसी को डिस्कस करना है इस टॉपिक में जो सब्सटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब है कि जो भी यहाँ पे हम कंपोनेंट यूज कर रहे हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ़ील्ड के अंदर वो हमारा कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है एटम हो सकता है या फिर आयंस हो सकता है तो इसलिए हम इनके लिए सब्सटेंस वर्ड लिख देते हैं हम अलग अलग मॉलिक्यूल एटम या आयन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे इसलिए आप जानते रहना कि हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इनमें से किसी को भी रख सकते हैं और ये सब डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं आप सब लोगों को पता है किसी भी एटम में न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है और उसके अराउंड जो सर्कुलर ऑर्बिट होगा उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो इलेक्ट्रॉन दो अलग अलग तरीके का मोशन शो करता है उसमें एक को हम बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन एंड सेकेंड वन इज स्पिन मोशन तो जो ऑर्बिटल मोशन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा न्यूक्लियस के अराउंड अपने सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है जैसे अर्थ घूमता रहता है सन के अराउंड तो इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो अपनी एक्सिस पे मूव करता रहता है कंटिन्यूसली इस तरीके से जैसे आप किसी टॉप को घुमाते हो तो इन दो अलग अलग तरीके के मोशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करता है जैसे आपने टेंथ क्लास में पढ़ा होगा कि जब कहीं पे हम करंट को पास कर देते हैं किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर तो मैग्नेटिक बिहेवियर वो शो करने लगता है तो करंट के पास होने का मतलब वहाँ पे हो गया ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से वहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो रही है तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व करेगा तो इस एटम के अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट होनी चाहिए तो वही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यहाँ पर जनरेट होती है जिसके बिहेव की वजह से क्या होगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये के, जो सब्सटेंसेस होते हैं वो अलग अलग प्रॉपर्टी को शो करने लगते हैं सो ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन टू एनी एटम बिहेव एज अ टाइनी मैग्नेट इसको आप माइक्रो मैग्नेट बोल सकते हो यानी कि किसी भी एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे आप कह सकते हो कि उस एटम के अंदर उतने ही माइक्रो मैग्नेट प्रेजेंट हैं अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके हो गए अनपेयर्ड मीन्स अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर प्रेजेंट रहेंगे तो इनका जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसका डायरेक्शन सेम रहेगा सो द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ईच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल एंड पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन तो जब इनका आप टोटल करोगे तो ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल नहीं करते ये ऐड हो जाते हैं और ऐड होने की वजह से यहाँ पे आपको नेट मैग्नेटिक मोमेंट कुछ मिलता है यानी इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होगा इट इज नॉट इक्वल टू जीरो और इसी को हम बोलते हैं किसी भी एटम का एटॉमिक डायपोल या फिर आप बोल सकते हो एटॉमिक मोमेंटम चलिए अब अगर मान लो किसी भी एटम के पास इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं इफ़ एटम है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से आपको पता है कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और दोनों की स्पिन अपोजिट होती है तो अगर एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट शो करेगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट ठीक उतना ही होगा अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है और एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करने की वजह से जो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट आता है वो आता है इक्वल टू जीरो मीन्स आप बोल सकते हो कि यहाँ पे किसी भी एटम के अंदर जो एटॉमिक डायपोल होगा वो डायपोल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता तो इसी एटॉमिक डायपोल का होना या ना होना इसकी प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जब इसको आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये कैसा बिहेवियर शो करेगा तो जिसके पास पहले से ही एटॉमिक डायपोल होता है मतलब जिसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं रहता उसको जब हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वहां पे क्या करता है वो फील्ड के साथ अट्रैक्शन शो करता है और यहाँ पे क्या होगा कि जिसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो रहेगा उसको जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वहाँ पे वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ़ील्ड के साथ रिपल्सन शो करता है तो यहाँ पे अगर हम पैरा मैग्नेटिक और डाया मैग्नेटिक मटेरियल्स को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो अट्रैक्शन और रिपलसन कैसे शो करेंगे ये फिगर में दिखाया गया है तो यहाँ पे नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की होगी लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे कोई भी पैरा मैग्नेटिक मटेरियल को रख देते हो तो पैरा मैगनेटिक मटेरियल को रखने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करता है तो अट्रैक्शन की वजह से देखो लाइन का थोड़ा सा अलाइनमेंट चेंज हो जाएगा और ये अट्रैक्शन जैसा आपको दिखाई दे रहा है लेकिन अगर यहाँ पर आप डाया मैगनेटिक मटेरियल रखते हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिपेल करता है इस वजह से यहाँ पर आपको रिपलसन शो होता हुआ दिखेगा तो इस तरीके से आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल को जब आप रखते हो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो या तो वो अट्रैक्ट करने लगता है मैग्नेटिक फील्ड को या फिर रिपल्सन शुरू हो जाता है तो चलिए हम आगे पैरा और डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर डिफरेंस क्या है उसको डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे पहला डिफरेंस क्या है पैरा मैग्नेटिक आर अट्रैक्टेड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मीन्स जब इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो ये वीकली अट्रैक्ट होंगे और डायमैग्नेटिक क्या होते हैं वीकली रिपेल होते हैं यानी इनके अंदर होगा रिपल्सन तो दिस वन इज़ द फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट क्या है एज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज़ रिमूव द मैग्नेटाइजेशन इज़ वेनिस्ड यानी अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देते हो तो उसके बाद पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो ख़त्म हो जाती है यानी फिर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा और वो शो क्यों नहीं करता उसको आप समझ लो जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं उस कंडीशन में इसके जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर लेते हैं तो इसी अलाइनमेंट की वजह से क्या होगा नेट जो डायपोल मोमेंट होता है इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसलिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये शो करता है लेकिन जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हैं तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा अपने अलाइनमेंट को लूज़ कर देता है और लूज़ क्यों करता है क्योंकि इसके अंदर कुछ चलता रहता है थर्मल मोशन तो ड्यू टू थर्मल मोशन द एलाइनमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर लूजेज सो दे लूज द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विच आर दे गेन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लेकिन इस डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक मटेरियल में ऐसा कोई अलाइनमेंट तो होता नहीं है क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहते हैं तो इसलिए क्या होगा यहाँ पे कोई थर्मल मोशन इलेक्ट्रॉन शो नहीं करेगा डायमैग्नेटिक में इसलिए इसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो कुछ टाइम तक ये शो करता रहता है इसलिए इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन रहती है थर्ड पॉइंट क्या है मैग्नेटाइजेशन ऑफ द पैरा मैग्नेटिक मटेरियल इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा पैरा मैग्नेटिक उसकी भी डायरेक्शन यही रहे लेकिन डाया मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जिधर पॉइंट आउट होगा उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और यही अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं यहाँ पे सेम डायरेक्शन में अलाइनमेंट होता है इसलिए दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज मैग्नेटाइजेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोलूट टेम्परेचर केस ऑफ पैरा मैग्नेटिक और इस रिलेशन को दिया था क्यूरी ने इसलिए इसको हम क्यूरी ला कहते हैं जहां पे जो सी है वो क्यूरी कॉन्स्टेंट है एच एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है और टी यहाँ पे एब्सलूट टेम्परेचर है जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीज़ होती जाएगी केस आप पैरा मैगनीटिक मटेरियल लेकिन डाया मटेरियल में ये क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करता याद रखना डाया मटेरियल क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करता इसका मतलब वहाँ पे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो कभी भी एब्सलूट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी नेक्स्ट ये नोट क्या है कि क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके एबब अगर टेम्परेचर आप कर देते हो तो कोई भी फेरो मैग्नेटिक जो मटेरियल होगा वो पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने लगता है यानी जब तक फेरो मटेरियल में के लिए टेम्परेचर आप क्यूरी टेम्परेचर से कम रखोगे तब तक उसके अंदर पैरा बिहेवियर नहीं आएगा लेकिन टेम्परेचर अगर आपने बढ़ा दिया क्यूरी टेम्परेचर से ज़्यादा तो उसके बाद उसके अंदर पैरामैग्नेटिक नेचर आने लगता है नेक्स्ट जो पैरामैगनेटिक मटेरियल में होंगे वो बिहेवियर को सॉलिड फेज लिक्विड फेज और गैशियस फेज सभी फ़ेज में शो करते हैं नेक्स्ट जैसे जैसे आप किसी भी कंपाउंड के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उसका पैरामैग्नेटिक जो बिहेवियर है वो बढ़ता जाएगा इसका मतलब अगर हम एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उसके कंपेयर में अगर डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को डिस्कस करें तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम वन हो सकता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम थ्री हो सकता है डी के अंदर फाइव और एफ़ के अंदर सेवन मीन्स डी और एफ़ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होंगे उनके अंदर जो पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर होगा इट इज़ मच मोर एज़ कंपेयर विद द एलिमेंट्स ऑफ एस एंड पी ब्लॉक तो आपसे प्रॉब्लम पूछा जाता है कि जो लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइड्स होते हैं उनके अंदर पैरा बिहेवियर ज़्यादा क्यों होता है तो उसका आंसर आप क्या दोगे कि जो लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स होते हैं वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं और उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का काउंट बहुत ज़्यादा आता है इसलिए पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ज़्यादा शो करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपको पता है कि किसी भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल का अट्रैक्शन होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो अगर मान लो कहीं पे आपने फील्ड जनरेट की और वो फील्ड स्ट्रांग नहीं है और वहाँ पे कहीं पे भी आपने पैरा मटेरियल को रखा हुआ है तो उस मटेरियल के अंदर मूवमेंट शुरू हो जाता है और हमेशा वो वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करता है क्योंकि स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड उसको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा एज़ कंपेयर विद द वीक मैग्नेटिक फील्ड लेकिन अगर आप यहीं पे डाया मैग्नेटिक किसी मटेरियल को रख दो तो डाया मैग्नेटिक मटेरियल क्या शो करता है रिपल्सन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसलिए जहाँ पे रिपल्सन कम होगा उधर वो मूव करेगा इसलिए डाया मटेरियल स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करता है नेक्स्ट किसी भी पैरा मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के काउंट के लिए गोई बैलेंस को यूज किया जाता है इस बैलेंस में एक तरफ हम वेट यूज करते हैं और एक तरफ हम टेस्ट ट्यूब की हेल्प से पैरामैग्नेटिक मटेरियल को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं इस मटेरियल्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया होता है और आपको पता है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अट्रैक्शन शो करता है इसलिए यहाँ पे ये अट्रैक्ट होगा और जितना ज़्यादा यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा तो उस अट्रैक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे वेट को चेंज किया जाता है और उसी वेट से हम कैलकुलेट कर पाते हैं कि जो मटेरियल हमने यहाँ पे रखा हुआ है उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स का काउंट कितना है चलिए अब हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है कुछ कंपाउंड्स लेने हैं और उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेक करनी है कि जो कंपाउंड हमने लिया है वो डायमैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक तो चलिए आपको पता है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो अगर कोई भी स्पीसीज आपके पास आ गई और उसके पास आपने देख लिया कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑड हैं तो जो ऑड नंबर होगा इलेक्ट्रॉन वो कभी पेयड तो हो नहीं सकता इसलिए आपको सीधे इसे पैरामैग्नेटिक लिख देना है यहाँ पे कोई आपको डिस्कशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन अगर उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इवन आता है तो उस कंडीशन में वो जो कंपाउंड होगा वो पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है और डायमैग्नेटिक भी हो सकता है अब उस पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को या डायमैग्नेटिक बिहेवियर को डिस्कस करने के लिए आपको मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी को यूज करना पड़ेगा और मालिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम जब आप बनाओगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड है या फिर अनपेयर्ड है इस मालिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम को यूज करके हम लोग एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे मतलब एक ट्रेंड बनाएंगे जिससे हमको फिर बार बार इस डायग्राम को नहीं बनाना पड़ेगा और हम आसानी से देख के बता देंगे कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कैसी प्रॉपर्टी है तब सबसे पहले आप समझ लो आठ नंबर का हिसाब तो हो गया कि वो पैरा मैग्नेटिक है अब इवेन नंबर में अगर किसी के पास दो इलेक्ट्रॉन रहे तो दो इलेक्ट्रॉन अगर आ रहेगा किसी के अंदर तो उसकी फीलिंग आप करोगे तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप ऐड करोगे और दूसरा फिर इसी में पेयर कर दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है इसलिए इसको आप लिखोगे डाया अब अगर किसी के अंदर फोर इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आएगा और फोर्थ फिर यहाँ पे पेयर्ड हो जाएगा तो उसको भी आप लिखोगे डायमैग्नेटिक अगर किसी के पास सिक्स इलेक्ट्रॉन हुआ तो उस कंडीशन में क्या होगा फिफ्थ इलेक्ट्रॉन सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन भी पेयर्ड है इसलिए आपको लिखना है डायमैग्नेटिक अगर आ गया एट इलेक्ट्रॉन्स तो फिर सेवेंथ इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा एट्थ इसी में पेयर्ड हो जाएगा तब भी इलेक्ट्रॉन सभी पेयर्ड हैं इसको भी डायमैग्नेटिक उसके बाद फिर आएगा टेन इलेक्ट्रॉन और जैसे टेन इलेक्ट्रॉन आएगा तो आप देखो नाइन्थ इलेक्ट्रॉन आप यहाँ लिखोगे टेंथ इलेक्ट्रॉन आप यहाँ लिखोगे तो अभी ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड हैं इसलिए अगर कहीं पे भी इवन नंबर में टेन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा तो उसको आपको लिखना होगा पैरामैग्नेटिक वो डायमैग्नेटिक कभी नहीं हो सकता इसके बाद फिर ट्वेल्थ इलेक्ट्रॉन तो जैसे ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन आएगा तो फिर उसमें इलेवेंथ इलेक्ट्रॉन इसको पेयर कर देगा ट्वेल्थ इलेक्ट्रॉन इसको पेयर कर देगा यानी फिर ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा उसके बाद फिर आ जाएगा फ़ोटीन फोटीन में थर्टीन फोटीन ये भी पेयर्ड हो गया तो इसको भी आपको लिखोगे डायमैग्नेटिक उसके बाद फिर आएगा सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन तो सिक्सटीन इलेक्ट्रॉन में फिर फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और सिक्सटीन यहाँ आएगा तो फिर यहाँ पे दो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं तो आप इसको फिर लिखोगे पैरा मैगनीटिक और फिर 18 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 18 में फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएंगे तो फिर ये डाया हो जाएगा ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन फिर ये पेयर्ड रहेगा फिर डाया सेम ऐसे ही आगे चलता जाएगा तो 22 वाला भी डायमैग्नेटिक होगा 24 वाला भी डायमैग्नेटिक होगा उसके बाद फिर हम आगे प्रोसीड कर जाएंगे तो 22 वाला भी डायमैग्नेटिक है और 24 वाला भी डायमैग्नेटिक है तो इस तरीके से किसी भी कंपाउंड को आप देख के बता सकते हो कि उसके अंदर प्रॉपर्टी पैरा है या फिर डाया तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम कर लेते हैं तो आपको जो भी एग्जांपल्स दिए जाएंगे उसमें इलेक्ट्रॉन का जो सम होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होता यानी वो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स तो बहुत मैक्सिमम हम पहुँच गए वो एटीन ट्वेंटी सिक्सटीन तक ही रहता है तो उसी में से कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं और आप देख के चलो उसको कैसे बताओगे कि ये क्या बिहेवियर शो करेगा आप इसको देख लो अब जैसे हमने यहाँ पे इस पी ले लिया हाइड्रोजन गैस अब हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन एटम में वन इलेक्ट्रॉन तो दो में दो इलेक्ट्रॉन हो गया तो टोटल इसके पास टू इलेक्ट्रॉन है इसलिए सीधे ये हो गया डायमैग्नेटिक अगर हाइड्रोजन प्लस हमने लिख दिया तो टोटल इलेक्ट्रॉन टू एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर चुका है यानी किसी को दे चुका है तो टोटल इलेक्ट्रॉन वन हो गया इसलिए पैरा सेम ऐसे आ जाए सी टू तो सी टू में क्या होगा कार्बन छः दो कार्बन है तो ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक तो सीधे आप लिखोगे डायमैग्नेटिक N2 एन टू टोटल इलेक्ट्रॉन फोर्टीन डायमैग्नेटिक ओ टू टोटल इलेक्ट्रॉन सिक्सटीन 16 यहाँ पे बिहेवियर यह शो कर रहा है इसलिए इसको लिखना पड़ेगा पैरा इसके बाद ओ टू पे माइनस लिख देते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन सिक्सटीन और एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया हुआ है टोटल सेवनटीन हो गए सेवनटीन आड नंबर पैरा अगर ओ टू प्लस लिख दें तो यहाँ पे हो जाएगा सिक्सटीन और माइनस वन यानी फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन ये भी पैरा यानी ऑक्सीजन के आप इन तीनों स्पीसीज को देख लो पैरा दिख रहे हैं इसके अलावा कोई और भी स्पीसीज लेना चाहो तो ले सकते हो जैसे एन NO ओ ले लें तो सात और आठ फिफ्टीन इलेक्ट्रॉन पैरा सी ओ लिख लें आठ और छः फोर्टीन इलेक्ट्रॉन डाया तो इस तरीके से आप जो भी एग्जांपल लेना चाहो उसको लेके आप पैरा और डायमैग्नेटिक बिहेवियर को बता सकते हो ये पूरा रहा टॉपिक इसको आप अच्छे से पढ़ो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है जो भी नए सब्सक्राइबर हैं वो जब सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो साथ में एक कमेंट ज़रूर कर दें और अपना वहाँ पे डिटेल सेंड कर दें जिससे कि जिस, जिस टॉपिक से रिलेटेड उनको वीडियो मिला हुआ है उस टॉपिक पे कुछ प्रॉब्लम्स होंगे तो हम उनको प्रॉब्लम सेंड कर लेंगे और उनको अगर कोई क्वेरी होगी कोई प्रॉब्लम्स होगी तो उसको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे चलिए आप लोग सपोर्ट करते रहिए थैंक यू